हिमाचल प्रदेश के नाथप्पा और जाकड़ी के मध्य बनी 1500 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथप्पा जाकड़ी में विद्युत उत्पादन का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मियों में पड़ोसी राज्यों को परियोजना से आशानुरूप बिजली आपूर्ति होगी। हिमाचल प्रदेश के नाथपा और झाकड़ी के मध्य बनी 1500 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी में विद्युत उत्पादन का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मियों में पड़ोसी राज्यों को परियोजना के आशानुरूप बिजली मिलेगी। नाथपा झाकड़ी परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक संजीव सूद ने बताया कि सतलुज नदी की कृपा से बिजली उत्पादन बिना अवरोध के हो रहा है, इसलिए 21 मई को सतलुज नदी तट में परियोजना के नाथपा बांध पर गंगा आरती की तर्ज पर सतलुज आराधना होगी। इस सतलुज नदी की महिमा समूचे परियोजना क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से विद्युत उत्पादन आशानुरूप करने में परियोजना में कार्यरत हर कर्मचारी और अधिकारी की कार्यनिष्ठा जुड़ी है। उन्होंने बताया कि 24 मई को स्थापना दिवस से पूर्व झांकी से नाथपा तक विभिन्न चरणों में मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों का भी परियोजना निर्माण में सहयोग के लिए धन्यवाद किया जाएगा, जबकि 9 मई को परियोजना कर्मचारियों के मध्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से गर्मियों में बिना अवरोध के बिजली तैयार होती रहे, इसे लेकर सर्दियों में रिकॉर्ड समय के भीतर बिजली उत्पादन इकाइयों की मरम्मत की जाएगी। हमें जो झाकड़ी से लेकर नाथपा तक कर्मचारियों के लिए रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ कर्मचारियों उनके परिवार के लिए, हम लोग इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए 21 मई को नाथपा में अपने बांध स्थल पे सतलुज आराधना का आयोजन कर रहे हैं पिछले साल की भांति, जो एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। और चूंकि हमारी जब जनरेशन अच्छी होती है, हमारा पूरा का पूरा कार्य सतलुज नदी की महिमा उनकी कृपा से चलता है, तो हम नदी की पूजा अर्चना के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं 21 मई को, और पूरा का पूरा जो इलाके के लोग हैं सबको आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी हुई थी, पहाड़ों पर भरपूर बर्फ है, और जो हमारा विद्युत उत्पादन है इस साल पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। जहाँ पिछले साल अप्रैल में हमारा 281 मिलियन यूनिट जनरेट हुआ था, इस साल वही जनरेशन अप्रैल माह की हमारी 541 मिलियन यूनिट है, जो किसी भी हिसाब से बहुत अच्छी जनरेशन है। और अगर इस तरह नदी में पानी रहता है, बरसात हमारे आशानुरूप होती है, तो इस साल की जनरेशन हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि बहुत अच्छी रहेगी, और जो हमारे विद्युत मंत्रालय के लक्ष्य हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।